अब तक सोच रही हो? देखो मेरा आइडिया कितना अच्छा है, मैं बड़े होकर यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाऊंगा। यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। आप लोगों को याद है ना, पुरनायु ने बड़े होकर एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाने की सोचा है जिससे आप टेक ऑफ करोगे और हवा में रुक जाओगे। आसमान में आप हो और नीचे पृथ्वी हिल रही है। जैसे ही वो जगह जहां आपको लैंड करना है आती है, तो लैंड कर जाओ। Isn't that right? Absolutely right, मम्मी। ना ज्यादा पेट्रोल, ना ज्यादा टाइम। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं। अगर गड़बड़ है तो आप बोलिए ना क्या गड़बड़ है। तो मैं बोलती हूँ ना कि क्या गड़बड़ है। बॉल फेंको, अब पकड़ लो बंटी, ये बग्घी का जवाब। क्यों? कैसे? जवाब कब दिया जवाब? बॉल फेंको और कैच करो, हो गया जवाब। हाँ, बॉल ऊपर फेंकी तो नीचे आई, आई के नहीं? पर कैसे भला? शायद। पर अंकल इसे जवाब कैसे मिल गया? क्या समझे? ओ ओ ओ जी, चलो मिलके समझते हैं जी। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। क्या आइडिया है? मुंबई से एक हॉट एयर बलून में टेक ऑफ, फिर आसमान में पार्किंग। अब जब पृथ्वी के नीचे घूमने से वो जगह नीचे आ जाए जहां आपको जाना है, तो आप गुब्बारे समेत नीचे आ जाओ। कल्पना की एक अच्छी उड़ान, लेकिन साइंस की असली दुनिया में असंभव। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, जिसके चारों तरफ है वातावरण। ये हॉट एयर बलून टेक ऑफ करके आसमान में पहुंचा, लेकिन वातावरण तो स्थिर नहीं रहता। वो तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से मानो बंधा रहता है। पृथ्वी घूमती है तो वातावरण भी उसके साथ घूमता रहता है, और घूमते वातावरण के साथ घूमता है हॉट एयर बलून भी। और मुंबई से टेक ऑफ किया हुआ बलून बहती हवाओं के साथ भले ही कुछ दूर निकल जाए, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बन सकता। क्या ये हॉट एयर बलून वाला आइडिया चांद पर काम करेगा? सोचिए सोचिए, सोचने से ही तो आएगी हर मुट्ठी में साइंस। ग से ग्रेविटी और ग से गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना ये ग्रेविटी ने। मैंने कितना अच्छा आइडिया सोचा था। आइडिया सचमुच बहुत अच्छा था तुम्हारा, लेकिन वर्क नहीं किया तो क्या हुआ? तुम कुछ और सोचो। ठीक है, अब तो मुझे बहुत ही अच्छा कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। वैभव, मैं तो समझ गई, कुछ भी हो, कहीं भी हो, मतलब पृथ्वी पर कहीं भी हो, ग्रेविटी से तो नहीं बच सकता। श्वेता, ना कोई बच सकता है और ना भी बचना चाहिए। बच गया। अरे मैंने कहा बच गया। क्या अंकल, आज आप कोई मजेदार बात ही नहीं कर रहे, बस खेलते जा रहे हो। अरे मजेदार बात ही तो कर रहा हूँ, और वो भी खेल में। इधर आओ, मैं समझाता हूँ। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या अंकल, आप क्या कह रहे, हम तो कितने सालों से इसे खेल रहे हैं। हाँ। अब ये बताओ कि कार यहाँ पर आकर पूरी की पूरी उल्टी हो गई, फिर भी नीचे नहीं गिरी, क्यों? ऐसा क्यों? वैभव का हाथ नाक पर, और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई। दोनों के पल्ले नहीं पड़ी, क्या आपके समझ में आई? समझने के लिए एक बार फिर चलाते हैं कार। ये निकली तेजी से और गति पकड़ती हुई पूरे लूप में घूम गई। कार लूप में इस जगह बिल्कुल उल्टी हो जाती है, मानो हवा में लटकी हुई, फिर भी नीचे नहीं गिरती। ये तो जैसे ग्रेविटी को हरा देती है। तो क्या है इसका राज? क्या इस लूप में कोई खास बात है, या फिर कार में जो वो उल्टी हो सकती है? ऐसा होता तो वो गिरती नहीं, फिर तो गति का ही कुछ कमाल लगता है। गति
और ट्रैक के आकार का। समझते हैं कि चलती कार पर बल कौन से हैं। एक तो है ग्रेविटी, दूसरा कार के पहिए और ट्रैक के बीच घर्षण। फिर वो क्या है जो कार को इस घेरे में ऊपर चढ़ा देता है, उल्टा होने पर भी गिरने नहीं देता। बड़ी मजेदार साइंस है सर्कुलर मोशन की, इसी को खेलेंगे आज। क्यों कैसे? पर क्यों? मम्मी कैसे? मम्मी जल्दी बताओ ना, आप क्या कर रही हो? बताती हूँ। पर कैसे भला? जादू कैसे? जादू कैसे? मम्मी जादू जल्दी दिखाओ। इसमें पानी डालो। और थोड़ा। बस। ठीक है। अब अगर इस ग्लास को मैं घुमाऊंगी तो क्या होगा? अगर आप इस ग्लास को घुमाएंगी तो मुझे नहाना ही नहीं पड़ेगा। चल नहाने के चोर, मैं दिखाती हूँ। टड्डा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तैयार? वन टू, वाओ, कैसे घूम रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। कहाँ है पानी? Where is the water? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको ऐसा जादू आता है। ग्लास के अंदर पानी फिर भी नहीं गिरता, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन आप चकराइए नहीं, क्योंकि ये कमाल है फिजिक्स का, बलों का और कुछ साधारण नियमों का। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि जहां भी सर्कुलर मोशन होता है, घुमाव, वहां छिपा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ खींचने वाला बल। यही बल है जो किसी भी चीज को घुमा देता है, वरना तो वो न्यूटन की फर्स्ट लॉ के अनुसार अपने जड़त्व से सीधी रेखा में ही चलती रहेगी। इस तरह घुमाने पर ग्लास को अंदर की तरफ खींचने वाला ये बल मिलता है उस रस्सी से जिससे वो बंधा है। अब मान लीजिए कि रस्सी अचानक काट दी जाए तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म, तो ग्लास अब गोल नहीं घूमेगा बल्कि अपनी गति की दिशा में सीधी रेखा में इस तरह गिर जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है झूले, मैरी गो राउंड। झूला जब तेजी से घूमता है तो उसे घुमाने वाला तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उस पर बैठे बच्चों को लगता है कि उन्हें कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। सब सीट की बाहरी तरफ चिपक गए हैं। यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल। मजे की बात यह है कि बाहर से देखने पर लगेगा कि झूलते हुए बच्चे सीधी लाइन में आगे जाना चाहते हैं और झूला उन्हें छोड़कर गोल घूमना चाहता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेले में जाएं और उस करतब को ना देखें जो पूरी तरह टिका है सर्कुलर मोशन पर? हम बात कर रहे हैं मौत के कुएं की। ये देखने में तो बहुत मुश्किल लगता है, मानो विज्ञान के सारे नियम तोड़ रहा हो, लेकिन असलियत तो आप समझ ही गए हैं, वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की कहानी। साइक्लिस्ट जी, अगर आपका पेट्रोल खत्म हो गया हो तो जरा आ जाइए, एक मजेदार चीज देखिए। ये बताओ कि अगर मैं इसको जोर 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 से घुमाऊं तो क्या होगा? आपकी आपकी एक्सरसाइज, थोड़ी मसल मसल बन जाएंगे, है ना? है ना? नहीं नहीं, ये पानी है ना, वो घूमेगा, जोर जोर से घूमेगा। घूमेगा लेकिन कैसे घूमेगा? अंकल घुमा के दिखाइए ना। वाओ, ये तो उसी कुएं के मोटरसाइकिलिस्ट जैसे ऊपर उठ रहा है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कैसे यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, आप देखिए। कोई भी ऐसी मशीन जो तेज रफ्तार से गोल घूमे उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इस ग्लास को भी हम सेंट्रीफ्यूज कह सकते हैं क्योंकि
इसमें पैदा हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस कंचे पर साफ दिख रहा है। सेंट्रीफ्यूज को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्राई में। स्पिन होने पर पानी और कपड़ा तेजी से अलग अलग हो जाते हैं, मतलब पानी कपड़े को छोड़कर बाहर उड़ जाता है। लेबोरेटरीज में भी सेंट्रीफ्यूज काम का है। रक्त को सेंट्रीफ्यूज में घुमाकर उसके अलग अलग हिस्से जैसे प्लाज्मा और कोशिकाएं को उनकी डेंसिटीज के आधार पर अलग अलग किया जाता है। अब समझ में आया मलाई और मक्खन अलग अलग कैसे हो जाते हैं। मलाई और मक्खन दोनों की मॉलिक्यूलर डेंसिटी बिल्कुल अलग है, इसीलिए जब उसे चर्न करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, ये देखिए मुझे क्या पता चला है। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के वक्त एक बड़े से मिक्सी में चर्न करते हैं। एक्सक्यूज मी, एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़े से मिक्सी में चर्न करते हैं? हाँ, ये इसी बुक में लिखा है, देखिए कि एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के वक्त एक बड़े से मिक्सी जैसे मशीन में चर्न करते हैं। उनका जूस नहीं बन जाता होगा क्या? क्या सचमुच एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़े से मिक्सी में चर्न करते हैं? देखते रहिए। एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए सचमुच एक बड़ी सी घूमती हुई मशीन में डाला जाता है। राइट, पर ये कोई जूस निकालने की मिक्सी नहीं। हाँ। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेस शटल में टेक ऑफ करते समय एस्ट्रोनॉट पर लगने वाले बल की कल्पना तक मुश्किल है। मल्टीपल जी फोर्स, कभी 3 गुना तो कभी 10 या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब 3 गुना जी फोर्स लगे तो 70 किलो का एस्ट्रोनॉट 210 किलो का वजन महसूस करेगा। शरीर के लिए ये बल सहना आसान नहीं। इंसान अपनी सुध-बुध भी खो सकता है, शरीर पर नियंत्रण खत्म हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि एस्ट्रोनॉट को इस बल का पृथ्वी पर ही अनुभव दिया जाए और उसे सहने का प्रशिक्षण। यही काम आता है सेंट्रीफ्यूज, एक ऐसी मशीन जिसमें सवार होकर एस्ट्रोनॉट बहुत तेज रफ्तार पर घूमता है। अब एस्ट्रोनॉट पर वो बल लगते हैं जो अंतरिक्ष में मुड़ते समय, टेक ऑफ के समय और लैंडिंग के समय महसूस होते हैं। सेंट्रीफ्यूज के फेर में पड़ी गए हैं तो इसी से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं। आप ही का है, टू व्हीलर जब टर्न लेता है तो झुक क्यों जाता है? ये सवाल है छत्तीसगढ़ से दुर्ग में रहने वाले सौरभ सोनी का। सौरभ जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि मुड़ते समय साइकिल पर कौन से बल काम कर रहे हैं। पहला वेट या वजन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शनरी बल, वजन के ठीक विपरीत दिशा में। ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तीसरा बल है फ्रिक्शन या घर्षण का, जो टायर और सड़क के बीच है। जब साइकिल घूमती है तो यही फ्रिक्शन बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और साइकिल को अंदर की तरफ खींचता है। इस समय साइकिल और सवार पर चौथा बल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत और बराबर है, लेकिन एक ही लाइन में नहीं। ऐसे बलों की जोड़ी को कहते हैं कपल। कपल साइकिल को घुमाकर गिरा सकता है, लेकिन साइकिलिस्ट अपने अनुभव से जानता है कि वो अपने शरीर को अंदर की तरफ झुकाकर इस गिराने वाले बल की टक्कर की जोड़ी बना सकता है। अरे श्रीता, क्यों डराती है इसको? और तू बुद्धू, डर क्यों जाता है? पर देखो अंकल, इसमें कितना पॉइजन होगा। इसमें अरे ये रबर स्नेक है यार। लेकिन सवाल तो आया असली स्नेक के बारे में। सवाल यह है कि अगर असली स्नेक अपने मुंह में पॉइजन रखता है तो अपने पॉइजन से मर क्यों नहीं जाता? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। सांप अपने जहर से मर क्यों नहीं जाता?
लंबी रीढ़ की हड्डी, महीन दांत, ऊपर से कोल्ड ब्लडेड, अपने शरीर के तापमान पर कोई नियंत्रण नहीं। हर तरह से सांप एक नाजुक प्राणी है। वो बात दूसरी है कि हम में से ज्यादातर उसे खतरनाक मानते हैं। इतना खतरनाक कि देखते ही सिट्टी पिट्टी घूम। कारण शायद सांप का जहर है, उसका विष। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में पाए जाते हैं कोई 270 तरह के सांप। इन सभी में से सिर्फ 60 ही जहरीले हैं। इन 60 में से भी सिर्फ 4 हमारे इर्द गिर्द मिलते हैं। जहरीले सांपों में सबसे आम है नाग, कोबरा। वैसे आप मानो या ना मानो, सांप का जहर उसका थूक है, सलाइवा, जो बनता है एक बहुत स्पेशल विष ग्रंथि या वेनम ग्लैंड में। जैसा आप देख रहे हैं, ये ग्रंथि सांप के सिर में होती है। ग्रंथि के सिरे पर होता है मसल, मांसपेशी। जरूरत पड़ने पर मसल किसी इंक ड्रॉपर की तरह विष को बाहर ढकेलता है, विष दंत से। ये दांत सांप के दूसरे दांतों से बिल्कुल अलग है। ये खोखले हैं, इसी से निकलकर विष बाहर आता है और सांप के शिकार में पहुंच जाता है। शिकार का मतलब हम इंसान नहीं, बल्कि सांप का खाना, छोटे मोटे जानवर। साइंटिस्ट ने पता किया है कि विष एक बहुत ही विशिष्ट मिश्रण है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स का एक कॉकटेल। एक प्रजाति के सांप का विष दूसरी प्रजाति के सांप के विष से अलग होता है। मतलब कोबरा का जहर वाइपर के जहर से अलग, वाइपर का जहर क्रेट से अलग, और क्रेट का किंग कोबरा से अलग। बस इसी अलगाव, इसी भिन्नता में छिपा है आज के सवाल का जवाब कि सांप अपने जहर से मरता क्यों नहीं। असल में हर सांप अपने जहर से इम्यून है, सुरक्षित। मतलब कोबरा का जहर कोबरा पर काम नहीं करता, लेकिन अगर एक प्रजाति का जहरीला सांप दूसरे को काट ले तो गड़बड़। गिरा दूंगी। हाँ, मेरा जीतेगा, मेरा जीतेगा। टिक नहीं लगा सकती है, चीटिंग है। वन गो मिस्टर पिंक, गो अटैक। टिक टिक थ्री, गो टिक टिक फोर। यू हैव टू विन पिंक, गो पिंक गो। ओह नो, मैं हार गया। मम्मी अब मुझे ये बताओ कि लट्टू गिरने से पहले ऐसे ऐसे हिलता क्यों है? यू मीन लड़खड़ाता क्यों है, वॉबल क्यों करता है? हाँ मम्मी, वो जो भी है, वो इसलिए कि जब लट्टू घूम रहा होता है तब उसके ऊपर बहुत सारे बाहर के फोर्सेस होते हैं, यानी कि बल। और यही है हमारा आज का सवाल, कॉन्टेस्ट 2 एपिसोड 2। एपिसोड 2 कॉन्टेस्ट 2, नेम एनी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ स्पिनिंग टॉप। एक घूमते हुए लट्टू पर बहुत सारे बल काम करते हैं। आप हमें इन बलों में से किन्हीं दो का नाम लिख दीजिए। कॉन्टेस्ट के नियम, एपिसोड और कॉन्टेस्ट का नंबर, आपका पूरा नाम, पता, उम्र और व्यवसाय। सही प्रविष्टियों से होगा लकी ड्रॉ। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स। ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। अगले 25 विजेताओं को 1 साल का ड्रीम 2047 का सब्सक्रिप्शन। हमारा पता नोट करें, हर मुट्ठी में साइंस, 3183 डेको इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार, पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@sac.isro.gov.in। उस जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी, उस जमाने में एरोप्लेन्स भी नहीं थे, उस जमाने में टीवी और रेडियो भी नहीं थे। मतलब हम बात कर रहे हैं
बहुत पुराने जमाने की। असल में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेस्ट के सवाल की जो हमने आपको पूछा था, ऐसा ही होता है मैं। एपिसोड नंबर 43, कॉन्टेस्ट नंबर 30, देखिए रिजल्ट। एपिसोड 43, कॉन्टेस्ट 30, हमने आपसे इन साइंटिस्ट का नाम पूछा था। सही जवाब है सर आर्किमिडीज, एक महान मैथमेटिशियन और अन्वेषक थे। इस बार के विजेता हैं गौरव हिरानी अहमदाबाद, प्रणव मुकेश पंडित गांधीनगर, अनुराधा पात्रा भुवनेश्वर, प्रतीक डेनियल भिलाई और उज्ज्वला बहारे कानपुर। आप सबको मिलेगा ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, साथ में ड्रीम 2047 का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। और वो हमारे जो नाना के नाना के नाना के नाना के नाना के नाना के जो नाना थे ना, मतलब बहुत ही पुराने वाले नाना, वो हमारी तरह नहीं चलते थे, वो चलते थे बिल्कुल झुक कर, और उनके उनके नाखून भी हमारी तरह नहीं थे। पर एक टाइम तो ऐसा था ना जब हम यानी कि मैन इस दुनिया में थे ही नहीं। हाँ, लेकिन बंदर थे और इसी बंदर से तो हम बन गए मैन। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, इसी को हम एवोल्यूशन कहेंगे। मम्मी, पर एवोल्यूशन तो अभी भी जारी है ना, तो फिर जंगलों में से वो जो बंदर है ना, वो इंसान में इवॉल्व होकर बाहर क्यों नहीं आते? वाह, यू आर राइट, एवोल्यूशन तो अभी भी जारी होना चाहिए। अगर एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, इसका मतलब मैमल्स अभी भी फायर क्यों नहीं डिस्कवर करते, बंदर इंसान बनकर अभी भी जंगलों से बाहर क्यों नहीं आते? इसी को तो साइंस कहते हैं, है ना? साइंटिस्ट भी ऐसे ही सोचते होंगे कि कुछ हुआ तो क्यों हुआ, कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पर क्यों? ऐसी ढेर सारी बातें लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन। आप अपने ढेर सारे क्वेश्चंस हमें भेजते रहिएगा। कैसे? क्यों? बाय। क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस, हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी